है वाराणसी मंदिरों में साईं की प्रतिमा हटाई जा रही है। प्रसिद्ध गणेश मंदिर से भी प्रतिमा हटा दी गई है। अब तक 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा को हटाया गया है। साईं बाबा की हिंदू संगठनों का आरोप है साईं मुस्लिम है, पूजा का विरोध नहीं कर रहे पर मंदिर में प्रतिमा नहीं लगेगी। हिंदू संगठनों ने ऐसे 28 और मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की बात कही है जहां प्रतिमा लगी हुई है। वहीं इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। धर्म नगरी काशी में साईं के नाम पर अब संग्राम छिड़ गया है। सनातन धर्म के एक बड़े धड़े ने साईं पूजा का विरोध करते हुए वाराणसी के मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और अभी तक कुल 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाई जा चुकी हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो वाराणसी के प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर से हुई है और इस वक्त हम इसी मंदिर में मौजूद है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पे ये शख्स मत्था टेक रहे हैं, जहां पर ये हाथ जोड़कर खड़े हैं, यहीं पर कल तक साईं की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। टूटे फूटे जो पत्थर हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां से साईं की जो प्रतिमा है वो हटा दी गई है। और न सिर्फ यहां से बल्कि जो 14 अन्य मंदिर हैं वहां से भी जो साईं की प्रतिमा है उसे हटा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रतिमा के साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहां पर बकायदे महादेव यानी शिवलिंग है स्थापित है और इसके साथ ही यहां पर जो गणेश भगवान के विग्रह विग्रह हैं वो यहां पर रखे गए हैं। और इसी बात का विरोध जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो मंदिर हैं, जो आस्था के स्थल हैं, वहां पर किसी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं या फिर मुस्लिम फकीर हैं जो भी हैं उनकी जो मूर्ति है जो प्रतिमा है वो स्थापित नहीं हो सकती है और इससे कहीं ना कहीं जो उनकी भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और इसी के मद्देनजर अब वाराणसी में ये बकायदे एक मुहिम छेड़ी गई है कि जो आस्था के केंद्र हैं वहां से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर जो सनातन समाज के जो संत हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि सनातन को बांटने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से हुई थी, बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इसको धार दिया था और अब वाराणसी में उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सनातनी रक्षक सेना है वो आगे आई है और उसकी ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस बात को लेकर अब आपत्ति जाहिर करनी शुरू की है कि किसकी परमिशन से मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, क्योंकि पूरे देश में साईं के करोड़ों जो भक्त हैं वो उनके हैं, बकायदे जो लोग होते हैं वो साईं की पूजा करते हैं और इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हिंदुओं की है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। देखिए मामला बड़ा है और हमारे संवाददाता ने इस मामले में मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने नवभारत से बातचीत में क्या कहा वो भी आपको सुनना होगा। मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, आपके मंदिर में शाही भगवान की एक प्रतिमा थी जिसको हटा दिया गया, सबसे पहले मैं उसके पीछे का तर्क जानूंगा कि क्यों हटाया गया, किसको आपत्ति थी, क्या आपत्ति है? ये देखिए, यहाँ स्थापित इनकी स्थापना जो है 2013 में हुई थी और जिसके बाद तो मतलब लोगों का दर्शन पूजन हो रहा था। बीच में हमारे शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी जो है एक मुद्दा उठाया जिसको जो है उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हमारे जो है साईं जी जो है वह मुस्लिम है और हमारे मुस्लिम उनके मुस्लिम होने के कारण हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी स्थापना या उनका रहना जो विग्रह रहना उचित नहीं है। तो इसके क्या प्रमाण थे कि नहीं जो साईं हैं वो मुस्लिम हैं या उसके पीछे कोई तर्क दिया जा रहा है? जो जिन्होंने हटाया है वो कौन से लोग थे? यह एक सनातन रक्षक दल के अजय शर्मा जी हैं, वह उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के निर्देश पर जो है वह यह एक अभियान चला रहे हैं कि अपने सनातन धर्म के मंदिर से साईं की मूर्ति को हटाया जाए। लेकिन इस कदम से साईं के जो करोड़ों जो उनके जो भक्त हैं शायद उनकी आस्था को ठेस पहुंचे? नहीं, उनके भक्त के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और वह हम उनके साईं जी के विरोध में नहीं है। उनका एक अलग से मंदिर होना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई होगी या फिर उनकी प्रतिमाएं जब लगाई गई होंगी तो क्या इस इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था? नहीं, उस समय इस प्रकार का कोई भी कोई उल्लेख नहीं था। एक लहर चल रही थी, जैसे एक पीक का लहर है कि नहीं, मतलब हर जगह लोगों ने अपनी स्थापना गली चौराहे छोटे बड़े मंदिर पर, उनके भी अनुयायी बहुत से थे, उसी अनुयायियों में से एक अनुयायी ने जो है यहाँ उनकी स्थापना कराई।